इंदौर की ये कहानी ऐसे भाई बहन की है जो कभी अपनी माँ के बिना त्योहार तो क्या खुशियाँ भी नहीं मनाते थे। हर त्योहार पर माँ के साथ खुशियों की सेल्फी लेते थे, पर इस बार माँ के बगैर ही राखी मनाएंगे। अब दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा है। भाई बहनों की ये दर्द भरी कहानी 2005 से ही शुरू हो गई थी, जब उनके पिता ने माँ बच्चों को छोड़ दिया था। माँ विनीता तब से ही सिंगल पेरेंट थी, तभी से दोनों भाई बहन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक साल पहले आई कोरोना की दूसरी लहर ने माँ को भी छीन लिया। अब बहन रोशनी और भाई हर्ष पर खुद की पढ़ाई के साथ ही खर्च निकालने की भी जिम्मेदारी आ गई है। रोशनी बताती है, अप्रैल 2021 का वक्त था, कोरोना की दूसरी लहर आई। 8-9 अप्रैल को माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी, एक दो दिन घर पर ही निकाले। 12 तारीख को माँ को ठीक लगा, पर 13 अप्रैल को ज़्यादा तबीयत बिगड़ी। घर में मामा तरुण और नाना नानी भी बीमार हो गए। छोटे भाई के साथ माँ को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने माँ को कोविड बताया और तुरंत अस्पताल में भर्ती करने को कहा। उन्होंने माँ को लेकर शहर के अस्पताल भटके, कई जगह गेट से ही लौटा दिया और कहा कि बेड नहीं है। रोशनी ने बताया, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। हम माँ को घर ले आए, घर पर ही एक परिजन ने माँ की हालत देखी। माँ को ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जैसे तैसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, लेकिन उसमें लगाने वाला मीटर नहीं था। आसपास के अस्पतालों में मीटर की कोशिश की, पर कुछ नहीं हो सका। 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात माँ हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। माँ के जाने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था, पहले सिलाई की, फिर नौकरी तलाशी। आज रोशनी एक फर्नीचर स्टोर में जॉब करती हैं, जबकि छोटा भाई हर्ष कपड़ा मार्केट में दुकान पर काम करता है। रोशनी अपनी MBA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई का खर्च खुद उठा रही हैं और हर्ष अपनी 12वीं की क्लास का। हर्ष इंजीनियर बनना चाहता है। पढ़ाई के खर्च के साथ वो अपने नाना नानी का घर चलाने में भी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, क्योंकि नाना दामोदर साइन बोर्ड पेंट करने का काम करते हैं। नानी सुमन कुमरावत कहती हैं, बेटी की जाने की कमी बहुत खलती है। नाना दामोदर कुमरावत कहते हैं, काफी मेहनत करती थी बेटी, वो सब कुछ संभाल लेती थी। हर साल वो मुझे भी राखी बांधती थी, अब मुझे कौन राखी बांधेगा। उनकी याद हमेशा आती रहेगी। मैं 12th कर रहा हूं। और इसके अलावा जॉब भी कर रहे हैं? हाँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आपकी स्कूल फीस भी आप ही बताएंगे और घर परिवार में? जी, मैं ही कर रहा हूँ फीस। तो इस बार परिवार आएंगे साथ? आते हैं, मौसी वगैरह सब, पर इतना पहले जैसा माहौल नहीं रहता। हाँ, फीस भी मैं ही भरती हूँ, घर पर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, और फिर अपना भी कुछ खर्चा रहता है वो भी देख लेती हूँ मैं।